So length of two parallel chords of a circle are 6 meter 8 centimeter. तो ऑफ द स्मॉलर कॉर्ड इज ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. तो ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. जैसे ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, आंसर के लिए इस सर्कल को ड्रॉ किया गया, ठीक है. अभी ये सेंटर है, तो दो कॉर्ड है, एक 6 सेंटीमीटर वाला, एक 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर. ओके, सेंटर यहाँ पे मान लो. अभी जो दिया गया स्मॉलर कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर सेंटर से. ए बी कॉर्ड मान लिया, अभी ए बी का वैल्यूज कितना है 6. अभी ये कौन सा है, ए बी, और इसको मान लेते हैं सी डी. ये वाला ई पॉइंट है, तो जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, और हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. तो बी कितना होगा, बी कितना हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, तो बी 3 हुआ. अभी वो सेंटर है, इसको अभी ज्वाइन कर देते हैं. इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, बी दैट इज 3 सेंटीमीटर है, वही हमारा 4 सेंटीमीटर है. देयरफॉर ओ बी जो है अंडर रूट पाइथागोरस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, दूसरा एक पार्ट होता है, तो रेडियस कितना हुआ, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसके मतलब इस जगह पे हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ओडी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा. अब यहाँ से इसका परपेंडिकुलर, इसको एफ बोल दिया, तो एफ डी इक्वल्स टू कितना होगा, ए सी डी कितना था, सी डी बाई टू, सी डी था 8 बाई टू, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर. अभी इन ट्रायंगल ओ एफ डी एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर. ओ एफ का स्क्वायर कितना फाइंड करना है, एफ डी का स्क्वायर कितना, एफ डी दैट इज 4 का स्क्वायर, और ये कितना ओ डी का स्क्वायर, ओ डी दैट इज द रेडियस, ओ डी इज द रेडियस 5 का स्क्वायर. तो ओ एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 दैट विल बी 9 ओ एफ का स्क्वायर. तो ओ एफ इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 9, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है. और एक बार मतलब दोनों इस तरीके से कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड. कोई डाउट हुआ तो फिर पूछना. ओके, तो पहले क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर है इस वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. ये वाला 3 होगी और ये वाला 4, तो ये वाला जो ओ बी रेडियस है दैट विल बी 5. ओके, पाइथागोरस अप्लाई करके. अभी सर्कल का तो रेडियस सेम ही होता है, तो ओ डी भी 5 होगा. अभी एफ डी जो है ना, एफ डी को हमने 4 बोल देंगे, बिकॉज सी डी कितना 8 था. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो एफ डी इक्वल टू सी डी बाई 2. कभी कभी तुम लोग एक डाउट होता है कि जो इस सर्कल को मान लो हम लोग ऐसे बनाते हैं, और एक चीज़ बता देते, मान लो सर्कल को ऐसा बनाते हैं, कभी कभार कोई भी बच्चे को डाउट होता है, वो भी बता देता हूँ. मान लो तुमने एक कॉर्ड एक ही साइड में लिया, तभी भी होगा, एक ही साइड में लिया. तो ये वाला जो है, हमने इसको सी डी बोला था, इसको ए बी बोले थे, इसका नाम ई था, इसका नाम इफ था. ओके, तो ये वाला ज्वाइन कर दो, ए वाला ओ, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर. तो ई बी तो हम लोग को दैट इज कितना था, ई बी दैट इज 6 का आधा, दैट इज 3 का स्क्वायर.
और वही कितना था, दैट इज हम लोग को दिया था 4, दैट इज 25 ओ बी का स्क्वायर, तो बी इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ओ बी फिर 5 आ जाएगा, ओ बी 5 होगा तो ओ डी भी 5 होगा। अभी एफ डी जो है, एफ डी क्या है, 8/2 दैट इज 4 बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, एफ डी 4 हो गया। अभी एफ डी 4 होने के बाद मान लो कि हमने दोबारा इसको ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ओ डी का स्क्वायर, तो ओ एफ का स्क्वायर जो है, ओ एफ का स्क्वायर एफ डी मतलब कौन सा, यहाँ से यहाँ तक दैट इज 4 का स्क्वायर, ओ डी दैट इज द रेडियस 5 का स्क्वायर, तो ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट विल बी 9, देयर फोर ओ एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 9 दैट विल बी 3। ओके क्लियर, तो कोई भी तरीका से कर सकते हो, कोई भी बच्चे इस तरीके से सॉल्व किए हो, कोई भी इस तरीके से सॉल्व किए हो, तो कोई कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे, धीरे धीरे करो, जितना तक सॉल्व कर सकते हो उतना तक ही भेजो, ठीक है ना, क्लियर, ओके बेटा।